भेंड भारत का हृदय राज्य मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बेहद एक खूबसूरत शहर है जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। यह एक कृषि प्रधान शहर है। यह शहर उपजाऊ जमीन और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। इस शहर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ और सरसों है। इस फसलें की सिंचाई चंबल और उनके सहायक नदी कुआरी से भरपूर मात्रा में की जाती है। 4,459 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए भिंड जिला की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 17,03,000 से भी अधिक है। दोस्तों, यह शहर समुद्र तल से 140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं यह शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 517 किलोमीटर दूर तथा भारत की राजधानी नई दिल्ली से 374 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। भिंड जिला को 5 उपखंडों और 9 तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिसमें भिंड, लहार, अटेर, महगांव, मोह, रोन, गोहद, मिहोना और गोरमी है। भिंड शहर की मुख्य भाषा हिंदी है तथा जिले की साक्षरता दर 75.3% है और यहीं जिले की जनसंख्या घनत्व 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस शहर के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि इस शहर का नाम भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड पड़ा था। यह शहर प्राचीन काल में भदौलिया राजाओं का राजधानी शहर था, जिसे बघवार के नाम से भी जाना जाता था। भिंड मध्य प्रदेश के 16 जिलों में से एक था, जिसका गठन 28 मई 1948 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात नवंबर 1956 को भिंड नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण ये शहर अपने चारों ओर पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है, जैसे पूर्व में उत्तर प्रदेश का इटावा, औरैया और जलौन जिला से, पश्चिम में मुरैना, उत्तर में उत्तर प्रदेश का आगरा और दक्षिण में दतिया तथा दक्षिण पश्चिम में ग्वालियर जिला से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ कई सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल भी मौजूद है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी इस शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी पर्यटन स्थल है जिसके बिना भिंड शहर का भ्रमण अधूरा है। भिंड का किला। भिंड का किला एक खूबसूरत ऐतिहासिक किला है जो भिंड में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। ये एक प्राचीन किला है। इस किले में आपको बहुत सारी प्राचीन वस्तु का संग्रह देखने को मिल सकती है। गोरी तालाब। गोरी तालाब भिंड शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह तालाब भिंड शहर के बीचों बीच स्थित बहुत ही बड़ा तालाब है। इस तालाब में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस तालाब के पास मौजूद एक पार्क भी है, जहां पर आप बैठकर आनंद ले सकते हैं। अटेर का किला। यह भिंड के ऐतिहासिक किलों में से एक है। यह किला 1664 से 1668 के आसपास बनाया गया था। इस किले को चंबल नदी के घाटी में बनवाया गया था। किले परिसर में कई हिस्से देखने लायक हैं, जिनमें खूनी दरवाजा, 12 खंभा महल, बदन सिंह का महल, राजा का महल और रानी का महल भी देख सकते हैं। श्री माता रेणुका मंदिर। भिंड शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। वीर योद्धा ऋषि परशुराम के जन्म स्थान के रूप से सम्मानित यह मंदिर माता रेणुका को समर्पित है। वनखंडेश्वर मंदिर। वनखंडेश्वर मंदिर भिंड शहर में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भिंड शहर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। यह मंदिर गोरी तालाब के पास स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय में किया गया था। नक्षत्र वाटिका भिंड। नक्षत्र वाटिका भिंड शहर में स्थित एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। यह पार्क हरियाली से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर मॉर्निंग के वॉक पर आ सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में कई और भी पर्यटक स्थल मौजूद है, जहाँ पर आकर आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।